सब्सक्राइब कीजिए डीडीएन न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साल 1994 में राजस्थान कॉलेज, 1995-96 में लॉ कॉलेज के अध्यक्ष और 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बनने से राजनीति का करियर शुरू करने वाले नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल आज की तारीख में राजस्थान के गरीबों के सबसे बड़ी मसीहा बनकर सामने आए हैं। 25 साल पहले हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान विधि के छात्रों की समस्याओं का निपटारा करने की शुरुआत की थी, लेकिन अब वे पूरे राजस्थान के गरीबों की दिक्कत को सुलझाने का काम करने में महारत हासिल कर चुके हैं। साल 2013 से 2018 के बीच वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में सबसे बड़े विपक्षी के तौर पर पहचान बनाने वाले हनुमान बेनीवाल ने अब वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की नाक में दम कर दिया है। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल और अब अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में राज्य के एक नेता के तौर पर सर्वाधिक भीड़ एकत्रित करने का नाम हनुमान बेनीवाल का पर्याय बन चुका है। साल 2013 में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मीणा और मीणा विवाद को लेकर तत्कालीन विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने मानसरोवर में करीब 3 लाख लोगों की रैली की थी। उसके बाद हनुमान बेनीवाल के सिवाय कोई भी नेता इतनी बड़ी रैली नहीं कर सका है। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में बड़ी रैली की थी, लेकिन वह भी हनुमान बेनीवाल की रैली के सामने छोटी रह गई। नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर में लाखों की भीड़ वाली रैलियां करते हुए हनुमान बेनीवाल देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका आज भी वही है। किसानों को हक के लिए लड़ना हो, युवाओं के लिए लड़ाई लड़नी हो, चाहे सामाजिक और सांप्रदायिक विवाद को खत्म करना हो, हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसा चेहरा है जिस पर सभी धर्म और जातियां विश्वास कर रही है। नागौर में आजादी से पहले बसी बंजारा बस्ती को प्रशासन के द्वारा उजाड़ने के बाद हनुमान बेनीवाल इस सरकार के कार्यकाल में पहली बार इतने आक्रामक हुए हैं। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है। आपको बता दें कि देश में पंचायती राज की शुरुआत नागौर की धरती से हुई थी। खुद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नागौर की धरती इतिहास रचती है और एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने बंजारों की आवाज को बुलंद किया है, उसके साथ ही राजस्थान में जितने भी बेघर लोग हैं उनको सरकार के द्वारा मकान के लिए जमीन आवंटित करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। उसके बाद आने वाले समय में सांसद हनुमान बेनीवाल राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन के जरिए गरीब और बेघर लोगों को मकान के लिए जगह दिलाने में कामयाब रहे तो साल 2023 में बीजेपी और कांग्रेस के बराबर एक बड़ा मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर सामने आ जाएगा, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के द्वारा सांसद हनुमान बेनीवाल को 2023 का मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। यदि यह अभियान सफल रहा और गरीबों और बेघर को घर मिल गया तो इस बात को अमली जामा पहनाने से कोई नहीं रोक सकता। उल्लेखनीय है कि हनुमान बेनीवाल ने दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक 20 दिन पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था, जिसके टिकट पर खुद बेनीवाल समेत 3 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद मई 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। उस पर नागौर से हनुमान बेनीवाल सांसद का चुनाव लड़े और चुनाव जीतने में कामयाब रहे। चुनाव आयोग की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल को प्रदेश की तीसरी शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले 4 साल में देखना और भी दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक पारी कहां तक पहुंचती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप भी यदि हनुमान बेनीवाल को गरीबों का मसीहा मानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।